अभी टाइम हो गया 12:30 और हम लोग लंच कर रहे हैं। लंच सुबह से आज बहुत कुछ काम किया। आज संडे है तो आराम आराम से हो रहा है। बच्चे का क्लास भी है उसमें, बेटा का भी कॉलेज भी है, उसको पापा को ऑफिस भेजा, उसको फ्राइडे छुट्टी रहते हैं तो संडे छुट्टी है, तो फिर जन्माष्टमी है ना, दही हंडी, तो इसके लिए उसको वो दिन छुट्टी रहेगा। या ऑफिस आया, हम लोग लंच इंजॉय कर रहे हैं। लंच करने के बाद और बहुत कुछ बनाने का है मुझे, और वीडियो बनाने का है और बहुत कुछ काम है। तो आज आराम आराम से करूँगी क्योंकि बेटी का अभ्यास नहीं है। चलो हम लोग लंच इंजॉय करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो गया 4:40 और मैं दो बार आज वॉशिंग किया क्योंकि धूप दिया, तो वॉशिंग करके सूख भी जाएगा सब कपड़े, तो सब कपड़े वो सब ठिकाने पे लगाने का है, घड़ी करके वो सब तो है ही। ऊपर से बहुत सारा कपड़ा आयरन करने का भी है, वो ही लेके मैं अभी बैठती हूँ। अभी टाइम हुआ 4:40। आज पहले किचन में नहीं आऊँगी, जो पेंडिंग काम रहता है ना, आयरन करना और कबड़ का इधर उधर हो जाता है कपड़ा, तो बिखरे जाते हैं लेते लेते, तो वो सब एकदम क्लीन अप करूँगी और बाद में मैं किचन में जाके कुछ बनाऊँगी टेस्टी टेस्टी। तो पहले चलते हैं आयरन करने में, और उसके पहले चाय पी लेते हैं। चाय बनाने के लिए रख दिया है, अभी चाय बन गया छान के मैं पी लूँगी, फिर बाद में आयरन करने को बैठूँगी और बाकी सारे काम बाद में करूँगी। और बेटा का काम हो गया, अभी खेल रहा है। और चाय बन गया और मैं चाय पी लेती हूँ। अभी चाय पी के हो गया और कितना सारे कपड़ा हुआ वो आप लोग को दिखाती हूँ। इतना सारे कपड़े लगे हुए हैं और मैं आयरन गर्म होने के लिए रख दिया, अभी आयरन करने को बैठूंगी। अभी टाइम हो गया 5:30 और मेरा बहुत सारे कपड़े था वो मैं आयरन कर लिया, दिखाती हूँ आप लोग। इतना सारा ड्रेस, उसका जो शर्ट रहते हैं, बहुत सारा कपड़ा मैं आयरन करके रेडी कर लिया। अभी ठंडा होने के बाद अलमारी में रख दूंगी। आज मक्खन और ड्राई फ्रूट्स का बर्फी बनाऊंगी, तो फास्ट फूड पे आप लोग को दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये जन्माष्टमी स्पेशल बना रही हूँ, इसका पूरा वीडियो अकॉर्डिंग ऑफिस किचन में मिल जाएगा। और सब पेन ड्राई फ्रूट्स में ग्राइंडर में पीसा और मखाना भी पीस लिया, चटनी में ऐड कर दिया। बहुत ही जल्दी बन जाता है और सेट भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। देखिए कितना अच्छा बना है, ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया। एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है और अंदर स्टफिंग से भरेला है, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बना है। आज हम लोग खुली खुली कचौरी डिनर कर रही हूँ क्योंकि मैं कचौरी बना रहे थे, तो बेटा बोला आज डिनर में ऑनली कचौरी, शाम को रास्ते पे नहीं ज़्यादा बना। मैंने बोला ठीक है, सबको इतना बड़ा बड़ा चार चार कचौरी खाएंगे तो पेट तो ऐसे ही भर जाएगा। मैंने बोला ठीक है चलो बना देती हूँ। दही, टमाटो सॉस, मिर्ची, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इतना क्रिस्पी और अंदर बहुत सारे मसाला। हम लोग तो ओके भी दिखाएंगे, इतना क्रिस्पी बना ना, थोड़ा ही नहीं जा रहा है। अभी तुम बोलो, तुम खाओ। अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ। थोड़ा सा ये देखिए, ना ज़्यादा अच्छा।
इतना टेस्टी और क्रिस्पी क्रंची, क्या बोलो, मक्खन में भी नहीं मिले, इतना अच्छा है। और ये वीडियो ऑफिस किचन में आप लोग को मिल जाएगा, विजिट करके देख सकते हैं। गार्लिक कचौरी खाना कचौरी बनाया था तो मेरा बेटा खाने का मन होगा तो कुछ भी खुद ही नेम इन्वेंट कर देते हैं और मुझे बनाना पड़ता है। ये बेटा का स्पेशल गार्लिक कचौरी मीन्स स्टॉपिंग में बहुत कुछ है, गार्लिक ज़्यादा है फ्लेवर क्योंकि गार्लिक का है इसलिए। इसमें बहुत सारा फ्लेवर मिलेगा, ऑनियन है, गार्लिक है, बेसन का फ्लेवर है, आलू भी थोड़ा ऐड किया और बहुत सारा स्पाइसेस ऐड किया। चलो मैं डिनर कर लेता हूँ बच्चे के साथ। चलो हम लोग डिनर एंजॉय कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।